MC Stan, क्या बोलते माम? सिर्फ पी टाउन ही नहीं बेबी, आज पूरा हिंदुस्तान इसमें तेरा घर जाएंगे। ये मैं आप सभी को बता देता कि बिग बॉस सिस्टम के लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहे हैं अभी इस टाइम। मैं आप सभी को सारी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है और पांचवें पे कौन है। मैं आप सभी को फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं क्योंकि दिन नजदीक आ रहे हैं, दिन छोड़िए अभी कुछ ही घंटे बाकी है वोटिंग बंद होने के लिए। लेकिन ऐसे में जो बिग बॉस सिस्टम के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके जो फैन है भर भर के वोट कर रहे हैं अपने खिलाड़ी को जिताने के लिए। लेकिन ऐसे में आपसे बता देता कि अभी लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उससे पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यार वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता कि अभी लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। तो पांचवें नंबर पर है वही पहले की जैसे अर्चना गौतम है पांचवें नंबर पर। अगर आप बात करें चौथे नंबर पे तो शालीन है और शालीन को ज़्यादा वोट मिले अर्चना से और उनके ऊपर है, मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। और अगर ऐसे में बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे प्रियंका, हालांकि प्रियंका कल दूसरे नंबर पे आ चुकी थी लेकिन अब तीसरे नंबर पर है क्योंकि जो शिव ठाकरे का बिग बॉस के अंदर जर्नी का वीडियो आया उसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब पसंद कर रहे हैं और उसको देख के बहुत ज़्यादा उनको भर भर के वोट कर रहे हैं। तो ऐसे भी शिव ठाकरे भी दूसरे बार चुके हैं और प्रियंका शिव ठाकरे के अंदर बहुत बड़ा फासला हो चुका है और मिट भी सकता है अगर प्रियंका के फैन चाहे तो। और अगर ऐसे में बात करेंगे आप दूसरे नंबर पे तो शिव ठाकरे, ऐसे में अगर आप बात करेंगे पहले पे तो आप समझ ही गए होंगे पहले पे कौन है, एमसी स्टैन। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एमसी स्टैन तीसरे पर है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एमसी स्टैन को आप तीसरे पे कैसा बोल रहे हो जबकि उनकी फैन फॉलोइंग, जबकि उनके चाहने वाले, जबकि उनके सेलिब्रिटी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि एमसी स्टैन के फैन कितने क्रेजी है, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप ज़रा सोचिए उनका एक डायलॉग शेमड़ी डायलॉग, हर किसी ने उस पर वीडियो बनाया, हर कोई मतलब उस पर मतलब उनको पसंद करा। और आपसे बता दूँ अभी जो पहचान हुई ना बिग बॉस सिस्टम की, बिग बॉस की, तो आपसे बता दूँ एमसी स्टैन के वजह ज़्यादातर हुई, मतलब बिग बॉस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एमसी स्टैन मतलब जैसा गए उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। और आपसे बता दूँ बिग बॉस के अंदर पहली बार ऐसा बंदा है जिसने झूठ वगैरह कुछ भी नहीं बोला, जो उसके अंदर था रियलिटी थी वो सारी की सारी बताई। अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं तो आपसे बता दूँ कि एमसी स्टैन ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, मतलब जो वो थे और वही बताया, मतलब सिलक की बातें कुछ भी नहीं किए। तो इसके बावजूद भी कई सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रियंका पहले पर है और एमसी स्टैन तीसरे पर है, मतलब दूसरे भी नहीं मतलब तीसरे पर, मतलब इतने फैन उनके चाहने वाले और इतने लोग उनको पसंद करने वाले और वो तीसरे पे कैसा हो सकते हैं, ज़रा लॉजिक लगाए। और आप सबको बता दूँ ये 12 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसको कितने वोट मिले। लेकिन ऐसे में कलर चिबियन बिग बॉस के हिसाब से विनर चुना गया तो ये रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन अगर वोटिंग के हिसाब से चुना गया तो ऑब्वियसली एमसी स्टैन ही जीतने वाले। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए, आपने किसको वोट किया वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि कौन इसका हकदार है कमेंट करके जरूर बताएं। इसे जितना हो सकता है शेयर करें, इतना फैलाएं ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे।